हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीटी। और लेट्स क्रैक टीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक आज का रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों ही टेंस को आज ही की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बता चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस बैच इज रनिंग फॉर द पैट एग्जाम विथ कंडक्ट इन यूपी। मतलब हम आपको करा रहे हैं या मैं आपको करा रहा हूं पैट एग्जाम के लिए ग्रामर, जो आपके उत्तर प्रदेश में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 5 नंबर की जो आपकी ग्रामर आएगी और जो आपका पैसेज आएगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पैट एग्जाम के लिए कराई जा रही है। ठीक है, चले बढ़े। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चले चले आगे भाई, चलिए सॉरी। तो भैया देखो भाई, इधर प्रेजेंट हेडिंग डालें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने हिंदी में पढ़ा है, अगर उसने हिंदी में पढ़ा है तो हिंदी में उसकी जो पहचान उसको समझ में आएगी ना, हिंदी में उसकी जो पहचान समझ में आती है, जो बच्चा बचपन से पढ़ता आ रहा है लेकिन हिंदी आती नहीं है, बट आपको बता रहा हूं, वो कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में भाई क्या रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, आते हैं तो वह वाक्य है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, टेंस का होता है। अब हमने ये तो जान लिया और हमें बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है, हम हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं और हमें ये समझ में आ गया। यानी एक एग्जांपल आपको और दे दिया टीचर ने कि भाई देखो, जैसे जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल सीधा सीधा अच्छे से समझ में आ गया और आप सुनकर समझकर बड़े हो गए खुश। लेकिन दूसरे ही पल आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा, सेकेंड ही चांस आपके माइंड में क्वेश्चन उठा कि गुरु जी ऐसा तो आता नहीं है पेपर में, हम कैसे पहचानेंगे पेपर में आने के बाद। गुरु जी बोले बेटा अब हम पेपर वाला पढ़ाते हैं, चलो। यानी अब आपको वो बताते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। देखो अगर कहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर कहीं पर दिया है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसको आप तीन तरीके से पहचान लेना, ठीक है, तीन तरह से पहचानना, ये मेरे बताने का तरीका है, ठीक है। सम वर्ड के द्वारा, कुछ ऐसे शब्द होंगे आपने देखा ना
चोर उचक्कों को, पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, वकील्स को उनके कपड़ों से पहचान लिया जाता है। तो भैया ऐसे ही इनके कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों के आधार पर आप ये कह सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये किसकी पहचान कराएगा? ये कॉन्टिन्यूस की पहचान कराएगा। ये किसकी पहचान करेगा? कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे करेगा? देखो सम वर्ड्स, जैसे आपके सेंटेंस में अगर कहीं पर लिखा है एट प्रेजेंट, आपके उसमें लिखा है वाइल, ठीक है, या आपके सेंटेंस में कहीं पर लिखा दिखा है ड्यूरिंग, तो ये वाले जो सेंटेंस होंगे ना वो प्रेजेंट टेंस को मतलब कंटिन्यूस को दर्शाएंगे। किसको दर्शाते हैं? ये कॉन्टिन्यूस को दर्शाते हैं। ये तो आप कहोगे सम वर्ड्स के आधार पे। अब दूसरी बात आपकी, दूसरी बात ये है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के आधार पे कैसे पहचान करोगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और मेन वर्ब कौन सी होगी जिसके आधार पे आप ये पहचान कर सकते हो? तो भाई जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको देखो, एक तो आपकी इज, एम और आर, इनमें से कोई एक होगी और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी आईएनजी जुड़ी होगी। ये तो पहचान होगी आपकी, ये आपकी पहचान होगी। तो गुरुजी तीसरे नंबर पे आपने क्या लिखा? फिर तीसरे नंबर पे लिखा सेंस के आधार पे। सेंस, और सेंस ये कहेगा आपसे कि अगर वर्क हो, वर्क इन प्रोग्रेस में हो, तो सेंटेंस आपका कंटिन्यूस का होगा। कार्य अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वो कंटिन्यूस का होगा, ठीक है। टाइम इज नॉट गिवन, मतलब समय इसके अंतर्गत नहीं दिया होगा कि कार्य कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइमिंग, टाइमिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। बड़े आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बड़े। चलिए अब हम चलते हैं, एक चीज आपके सामने और आई। अब महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बात है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? अब इसमें स्ट्रक्चर में भी हमें चार सेंटेंस पढ़ने हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। सर चार सेंटेंस कौन से पढ़ने हैं? एक तो हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, मेन की क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, एक आपसे पढ़ा जाएगा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी चार प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने पड़ेंगे। देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई विल टेल यू, जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो चार प्रकार के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अरे क्या हुआ इसमें?
सबसे पहले आपको लिखना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में बात करें तो सकारात्मक वाक्य। क्या बात करेंगे? सकारात्मक वाक्य। देखो इधर, पहले नंबर पे हेडिंग डाला हमने आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या डाला भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस डाला तो इसको हिंदी में बोला गया सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य इनको बोला जाता है। देखो भाई, सकारात्मक वाक्य जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यही सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में लिखा दिख जाए तो सर इंग्लिश में कैसा होगा? इंग्लिश में आपको एक तो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद या तो इज लगा होगा या एम या आर होगा, एंड देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें जुड़ा होगा आपका आई एन जी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस बनाया तो हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई। अब आई के साथ इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, ये तो गुरुजी आपने हमें बताया ही नहीं। देखो दोस्तों, आई के साथ लगता है एम और इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? आपका एम लग जाएगा। मुख्य काम क्या हो रहा? पढ़ाना हो रहा। ठीक है, आई एम टीच। अब देखो, टीच लिख दिया हमने, टीच में आई एन जी जोड़ दी हमने, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो गई। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, इस सेंटेंस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। वी कैन मेक दिस सेंटेंस इन टू टाइप, सेकेंड टाइप इज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, जैसा भी आप इसको समझें अपने तरीके से, आप इसको अच्छे से समझ जरूर लेना। लेकिन ठीक है, बातें समझ में आई भी? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इस आधार पे लिखा देखा मिलेगा। अब हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नंबर टू आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य कैसे होंगे सर? देखो, अभी मैंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, वह लड़का अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है। कार्य तो कर रहा है लेकिन खुद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। तो इसमें कार्य चल रहा है, ये बात हमें बता रही है कि हाँ ये सेंटेंस
कंटिन्यूस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता तो कैसा होता? इंग्लिश में गुरुजी एक सब्जेक्ट होता, यहाँ पर इज, एम या आर में से एक होता, ठीक है, उसके बाद नोट लगा होता, एंड देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती और आपका ऑब्जेक्ट होता प्लस अदर वर्ड होता और आपका फुल स्टॉप होता। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता। एक मिनट भाई, चलिए अब इसको मैं कॉलम में बंद करके आपको दिखा सकता हूँ। ये वाला आपका स्ट्रक्चर हो जाता, सेंटेंस बनाए। अब सेंटेंस कैसे बनेगा गुरुजी? सेंटेंस बनेगा कि वह लड़का, ये पूरा ही सब्जेक्ट है भाई, तो इसके लिए आएगा दैट बॉय। कुछ बच्चे इसको भी ना ही बॉय करेंगे। दैट बॉय इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स इज नॉट, करने की होती डूइंग, डू और डू माई जुड़ जाएगी। दैट बॉय इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वह लड़का अपना काम खुद नहीं कर रहा है। ही दैट बॉय इज नॉट डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, वो खुद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे बना लेंगे, यानी दूसरे टाइप आपकी जो होगा नेगेटिव सेंटेंस वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। बड़े आगे चले, आगे तरफ बढ़ते हैं। आपका आगे आता है यस नो टाइप, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हैं भाई? इसमें ना हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे स्टार्टिंग में क्या लिख कर करेंगे, जैसे क्या आपके पापा जी आपको हरिद्वार भेज रहे हैं? हरिद्वार भेज रहे हैं और आपका क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इज, एम और आर तो आएंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैनर की फर्स्ट फॉर्म आएंगे लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। आइए हम सेंटेंस बनाते हैं। आपके पापा जी एक वचन है, तो योर फादर यानी इज, अब योर एक पजेसिव केस है, कभी आप इसके चक्कर में यू लगा लो आर। योर फादर इज, योर फादर सेंडिंग सेंडिंग यू टू हरिद्वार, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इस तरीके से लिखा मिलेगा, यानी अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ रही है, ये इज एम आर में से एक आ गया, ठीक है, और उसके बाद यहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गई, आई एन जी आ गई। तो ये दो बात तो आपको बताएंगे, ये दो बात आपको बताएंगे कि सेंटेंस कैसा है, कॉन्टिन्यूस है।
और कॉन्टीन्यूस में कैसा है? यस नो टाइप है सर जी, कॉन्टीन्यूस में कैसा है? यस नो टाइप है। ठीक है, बड़े आगे चलिए, आगे तो बढ़ते हैं और बात करते हैं किसको लेकर। डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पहली बात तो डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब भैया बीच में आएंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनेंगे गुरुजी? इंग्लिश में भाई अगर इंग्लिश में कहीं लिखा होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर में से कोई एक आएगा, एंड देन एक सब्जेक्ट रखा मिलेगा आपको यहाँ पर, नोट होगा तो नोट भी रखा मिल सकता है, ठीक है, फिर आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कॉलम में कर दिया हमने बंद, तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में कुछ सेंटेंस हमने अभी आपके सामने लिखा नहीं, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वाई आर यू नॉट ईटिंग दिस फूड, वाई आर यू नॉट ईटिंग दिस फूड, आप इस खाने को क्यों नहीं खा रहे हैं? तो पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, उसके बाद आपका इज एम आर में से एक आ गया, और यहाँ आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रही है? आई एन जी लग रही है, ठीक है, एक इधर देखिएगा, एक इससे पहले देखेगा, तो दोनों पहचान बता देंगे आपको कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस आपका कॉन्टीन्यूस वाला जी, कॉन्टीन्यूस में कैसा है? डब्ल्यू एच टाइप है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है, क्या होगा इसका? आप इस खाने को क्यों नहीं खा रहे हैं? आप इस खाने को क्यों नहीं खा रहे हैं, इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो अर्थ समझ में आया कि कैसे इंग्लिश में होगा और कैसे ये हिंदी में होगा। तो दोस्तों ये तो कहानी थी आपकी प्रेजेंट के कंटिन्यूस की, दोस्तों ये जो कहानी थी आपकी ये थी प्रेजेंट के कंटिन्यूस की, और अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। हेडिंग डालें यहाँ सेकंड वाले सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? एक तो आपकी इंग्लिश पहचान लिख लो, इंग्लिश में इसको कैसे पहचानोगे और हिंदी में इसको कैसे पहचानोगे, मतलब हिंदी में इसको कैसे पहचानोगे, ठीक है, इन दोनों में अंतर लिख लो अभी के अभी। तो पहचानना, क्योंकि सबसे बड़ी बात पहचानने की तो है इंग्लिश में एग्जाम के अंतर्गत। देखो देखिए इधर, इंग्लिश में तो दोस्तों आपको हैव, हैज या हैव के साथ
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है भैया, कहीं भी हैज हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आई हैव डन माई वर्क। देखो विदन, एक तो यहाँ हैव आया और यहाँ पर ये डन आ गया। अब हैव और डन का क्या मतलब है? डन का मतलब है डू, डिड और डन। यानी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो कौन सी फॉर्म आ रही है मित्रों यहाँ? ये थर्ड फॉर्म आ रही है। जब ये थर्ड फॉर्म आ रही है तो कौन सा होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हिंदी में देख लो, हिंदी में पहचान कैसे होगी? सबसे बड़ी बात पहचान से। वाक्य अंत में ना एक विशेष प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ठीक है, ये आपको रखे मिलेंगे। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, या आपको इससे अलग कौन कौन से रखे मिल सकते हैं? लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि। इस प्रकार के अगर आपको कहीं पर सेंटेंस शब्द देखने को मिलते हैं तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, उसने खाना खा लिया है। पहला तरीका तो ये, दूसरा वह खाना खा चुकी है। मतलब दोनों का मींस बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई, बस केवल बोलने का अंतर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल बोलने का अंतर है भाई। दोनों में क्या है? केवल बोलने का अंतर है। चलो अभी अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए बड़े आगे। अब हमने इसकी पहचान तो आपको बता दी, इसमें भी वही चार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे समझेंगे। देखो इसको भी तीन तरीके से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, तीन तरीके से पहचान होगी इसकी। वन, टू एंड थ्री। तो पहला वो आपका वही कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे, यानी जैसे किसी के पहनावे से पता चल जाता है ना कि ये कौन है, ठीक वैसे कुछ वर्ड मिलेंगे आपको। यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही बता देगी जी सेंटेंस जो है ना वो परफेक्ट का है।
यहां वर्क कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में कार्य पूरा हो गया है, इस बात को बताने काम करता है। प्रेजेंट टाइम में कार्य पूरा हो गया है इस बात को बताने का काम करेगा। सम वर्ड कौन कौन से होंगे, जैसे रिसेंटली, ठीक है, येट, स्टिल, रिसेंटली, और आपका हाँ रिसेंटली हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, बट का भी इसमें प्रयोग होगा, एटसेट्रा, यानी इन वर्ड का प्रयोग। बट जरूर नहीं, हालांकि इसको बट को हटा लीजिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट जरूर नहीं इसमें, यानी रिसेंटली अगर कहीं पर लिखा है, ये येट लिखा है या स्टिल लिखा है, ठीक है, तो आप ये समझ लेना, या एट लीस्ट लिखा है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ आप, जैसे आपको मैं बात करूंगा सब्जेक्ट प्लस हैज, ये हैव, और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसे आई हैव ईटन माय फूड। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, पहली बात तो गुरुजी यहाँ आ गया हैव और ये आगे ईटन, ईटन जो है वो ईट एट और ईटन, यानी कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है भाई, कौन सी फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये मित्रों आपकी थर्ड फॉर्म है। इसमें कैसे काम करोगे, ये आपके सेंस को बताएगी, ये आपके सेंस को बताएगी, जिससे कार्य पूरा हो चुका है, जैसे दिस वर्क हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखो भाई यहां से अगर हम बात करें तो यहां ऑलरेडी भी आ जाएगा, ऑलरेडी भी अगर इसमें आ रहा है तो वो प्रेजेंट के मतलब परफेक्ट को बताएगा, किसको बताएगा, परफेक्ट को बताएगा, समझ में बात आई भाई। अब आपको वही देखना है, आपको क्या करना है, अभी आपको देखना है कि कैसे हम इनको चार सेंटेंस में बांटेंगे, सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंस तो आपको इसमें चार ही बनाने हैं, सेंटेंस आपको इसमें चार ही बनाने हैं, एक तो आपका अफर्मेटिव, एक आपका नेगेटिव, एक आपका यस नो टाइप, एक आपका डब्ल्यू एच टाइप। ये चार प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जब ये चार प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, चारों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें क्या होगा, सीधा हैज और हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसमें हैज और हैव के बाद नोट होगा तब थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज कभी अब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, अरे यहाँ तुम्हें बताने में फिर दोनों एक से लगेंगे, एक मिनट इसको समझें। यहाँ पहले दोस्तों आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड
थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव तो होंगे ही, उसके बाद नोट लगा मिलेगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरे वाले में अगर मैं बात करूं, देखो यहां हैज और हैव ये पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा एंड देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड वही आपको जो बता रखा मैंने, उसके बाद हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी ये दो जो सेंटेंस हैं ये बिना क्वेश्चन मार्क के अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक चारों के ऊपर एक चार सेंटेंस लिखता हूं मैं, देखिए आई हैव डन माई वर्क, पता चल गया हैव के साथ डन आ गया। ठीक है, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य नहीं किया है। तीसरा सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच टाइप का लिखना चाहूँ, एसओ टाइप का, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ हैव यू ईटन दिस फूड, क्या आपने ये खाना खा लिया है, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसको मैं डब्ल्यू एच टाइप में पूछता, उसमें क्वेश्चन मार्क टाइप में, तो वाई हैव यू नॉट ईटन दिस फूड, वाई हैव यू नॉट ईटन दिस फूड। ठीक है, समझ में बात आ गई भाई। तो ये आपका यहां से दोनों सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, दोनों सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।